नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। 11 बज रहे हैं और तमाम खबरों को हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। चलिए करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त आपको बता दें कि झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां घर में घुसकर दंपति पर हमला किया गया है। बड़ी खबर झालावाड़ में घुसकर दंपति पर हमले की खबर आ रही है झालावाड़ से, जहां युवक ने तलवार से दंपति पर हमला कर दिया है। ग्रामीणों और बजरंग दल में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। झालावाड़ से बड़ी खबर, घर में घुसकर दंपति पर हमला किया गया है, युवक ने तलवार से हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों ने और बजरंग दल में भारी आक्रोश देखने को मिला। बजरंग दल ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस इस वक्त ग्रामीणों और बजरंग दल को समझाने की कोशिश कर रही है। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर दंपति पर हमला किया गया है। देखिए इस तरीके से लगातार भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई है। युवकों ने तलवार से हमला किया है। हालांकि बजरंग दल ने इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं रोष जाहिर किया है। इधर बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल ग्रामीणों और बजरंग दल में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। दंपति पर किस तरीके से हमला किया है, तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनीस आलम इस वक्त बने हैं फोनलाइन पर। अनीस, फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिएगा, ये पूरा मामला जो है, अभी तो फिलहाल स्थिति थोड़ी गांव में तनावपूर्ण हो रही है, लेकिन अंडर कंट्रोल में है। दीपिका, पूरा मामला इस तरह से, झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के उनेल गांव के अंदर, जैसा कि जो घायल है वो बता रहे हैं कि उनका जो गांव के ही युवक है नफीस, उसको उन्होंने एक साल पहले किराने का सामान उधार दिया था, लेकिन इनके वो किराने का सामान का नफीस ने जो उधारी का रकम था वो भी उन्होंने चुका दी थी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो इसमें जो दुकानदार है राजू उदयलाल, राजू धाकड़ और इसकी पत्नी संतोष, तो आज नफीस इसके घर पे घात लगा के बैठा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने सवेरे घर का गेट खोला उसकी पत्नी ने संतोष ने, तो राजू इसके नफीस के हाथ में दो तलवारें थी और दोनों तलवारें उसने खुद हाथ से भी बांध रखी थी, और जैसे ही उसकी पत्नी संतोष ने दरवाजा खोला, इसे ताबड़तोड़ सा हमला कर दिया नफीस ने। और हमला करने के बाद जैसे ही संतोष चिल्लाई तो अंदर जो उसका पति सो रहा था राजू धाकड़, वो भी बाहर आ गया राजूला, और इसने उसके ऊपर भी हमला कर दिया तलवार से, और ऐसे में चिल्ला तोड़ शुरू होगी। और इसने ताबड़तोड़ जो हमले किए, तो उस दौरान इसका बेटा और जो इसका जो राजूलाल का जो भाई है वो भी मौके पर आ गया, और उन्होंने जैसे से करके इनको छुड़ाया, और उसके बाद इन्होंने नफीस को पकड़ लिया, लेकिन नफीस वहां से मौके से फरार हो गया, जिसके बाद इनको घायल अवस्था में सुनेल के अस्पताल में लेकर है, लेकिन वहां से इनकी स्थिति थोड़ी गंभीर होने पर इनको झालावाड़ के अस्पताल में रेफर कर दिया है। लेकिन दीपिका, मामला गांव के अंदर थोड़ा गर्मा गया है, क्योंकि वहां कुछ धार्मिक संगठन और ग्रामीण गांव में जमा हो गए हैं, मुख्य जो मार्ग है गांव का उसमें जमा हो गए हैं, और वो उसको गिरफ्तारी, आरोपी जो नफीस है उसको गिरफ्तारी की जल्द मांग कर रहे हैं। हालांकि कई थानों का जो जाब्ता है पुलिस का, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश कर रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि पुलिस ने कई टीमें गठित करके और नफीस को गिरफ्तार करने के लिए भेज दी गई है। पुलिस का दावा है कि हम जल्दी आरोपी जो नफीस है उसको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बजरंग दल के और जो ग्रामीण हैं वो गांव में जमा हो गए हैं, मुख्य मार्ग उस पर जाम की स्थिति बनी हुई है, पुलिस समझाइश कर रही है। दीपिका, चलिए इसी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।